जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, साथ ही दो और आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है, जिसके लिए इलाके की घेराबंदी और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मारे गए आतंकी से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसके मुताबिक आतंकी किसी भी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची, और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है, और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं, तीन उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। कठुआ में हुए आतंकी हमले में एक आदमी को गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की पत्नी ने आतंकियों पर गोली मारने का आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व सरपंच ने पूरी घटना की जानकारी दी। कठुआ के हिरणनगर सेक्टर में सवाल एरिया में है, और ये जो एरिया आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस वक्त रात का समय है, लेकिन यहाँ पे इसके तकरीबन 1 किलोमीटर से आगे एक ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मी, CRPF और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें कहा जा रहा है कि जो ADGP ने अभी तक कहा है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सिविलियन की इंजरी इसमें हुई है, लेकिन उन्होंने जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कई सिविलियंस को होस्टेज बनाया गया है या कई लोगों को मारा गया है, ये उन्होंने कहा कि ये गलत है, और साफ कहा कि ये जो दो आतंकवादी थे वो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे पाकिस्तान से, हो सकता है कि इसी कठुआ हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की हो, और उसके बाद वो यहाँ पे आए थे, किसी के घर में घुसे, और उसके बाद जब वहाँ पे शोर मचा उसके बाद उन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग के तबादले में जो है एक आतंकवादी मारा गया। दूसरा आतंकवादी उन्होंने कहा कि वो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी सर्च चल रही है। ADGP ने कहा है कि ये आतंकवादी जो है यहाँ पे एक बड़ा ही एक आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और जो आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ उसको पकड़ने के लिए व्यापक कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं। कठुआ में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, तब का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें आतंकी हमले के वक्त के चश्मदीद ने अपने रिश्तेदार को फोन करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो कठुआ में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और इसी हमले से जुड़ा हुआ एक ऑडियो भी सामने आया है। आतंकी हमले के बाद चश्मदीद ने अपने रिश्तेदार को फोन करके इसकी जानकारी दी थी। आपको एक बार फिर बता दें कि इस ऑडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ जी सर, नारायण, हाँ जी, कोई हुई गतिविधि हुई कुछ? जम्मू पुलिस निकली पेदी उधरा, पुलिस पुजने वाली होनी थोड़े कोल, कोई गल नहीं, ठीक है ना? ठीक है, और टेंशन नहीं लाया न्याणे लेइए छड़ा 10 मिनट होया पुज्जे, सौरे आई भी गए। हां ठीक है, चल कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं।
ਉਹ ਲੱਭੇ ਮਿਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰਾ ਦੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਬੰਦਾ ਮੀਂਹ ਸੱਦਾ ਕਾ ਮਾਰਾ, ਮਹਾ ਸਾਲੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੇ ਮੀਂਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमले में सेना के दो जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 12 घंटे से दूसरा और 72 घंटे में ये तीसरा आतंकी हमला है। वहीं इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकी हमला हुआ है। जम्मू के रियाशी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर भी हुए आतंकी हमले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों का स्केच जारी किया है और आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की है, जिसके लिए पुलिस ने फोन नंबर भी जारी कर दिया है। रियाशी में बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू के रियाशी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। जांच में पर्दाफाश हुआ है कि आतंकी हमले के लिए जंगल के रास्ते आए थे। रियाशी आतंकी हमले में बस ड्राइवर समेत 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें करीब 10 लोगों की ने अपनी जान गंवाई थी और जांच में पर्दाफाश हुआ है कि आतंकी हमले के लिए जंगल से ये लोग आए थे जिन्होंने हमला किया था। और अब तक इस मामले में 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए की टीम कर रही है। और आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस आतंकी हमले में ९ जून को जम्मू कश्मीर में निर्दोष तीर्थयात्रियों पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। अब इसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों के कायराना हमले को लेकर गुस्सा है। देश में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है। वहीं घायल यात्रियों ने आप बीती बताई कैसे उन्होंने उस खौफनाक मंजर को झेला था। रियासी अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि रियासी टेरर अटैक के पीछे लश्कर कमांडर साजिद जट का हाथ है। उसी ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को हमला करने का आदेश दिया था। सूत्रों के मुताबिक साजिद सैफुल्लाह जट कश्मीर में लश्कर ए तैयबा की कमान संभालता है। द रेजिस्टेंस फ्रंट स्थानीय आतंकी संगठन है, इसे लश्कर का पूरा समर्थन प्राप्त है। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी जबकि 33 तीर्थ यात्री घायल हैं। इस हमले में घायल हुए तीर्थ यात्रियों ने जो बताया है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। क्या हुआ था रियासी में? जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को माता वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकवादियों ने बस पर उस वक्त गोलीबारी की जब ये बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी।
हमले के चलते बस रियासी के पोनी इलाके में तेराय गांव के निकट सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थ यात्री सवार थे। आतंकी समूह टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। लश्कर से जुड़े आतंकी समूह टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये आतंकी पिछले एक महीने में रजौरी और पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल थे। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। ये आतंकियों का वही ग्रुप है जो पीर पंजाल के दक्षिण में पिछले 2 सालों से सक्रिय है। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ स्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईवली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सीज पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी हमला। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का ये आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से ये हमला किया।